अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस मूवी देख रहे हैं, बीवी गम पार्ट वन देख लिया था, पार्ट टू देखते हैं। प्लानिंग बहुत चल रही है उसको बिल्कुल पकड़ने की, तो देख रहे हैं क्या। एक ऐसा इंसान था जो दोस्तों का जिगरी था और दुश्मनों का काल। एके और आर्यन दो जिस्म एक जान थे। काउंटर टेररिस्ट स्क्वाड में इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। इन पांचों ने एक टीम में रहकर ऐसे ऐसे मिशन कंप्लीट किए थे जिन्हें कर पाना नामुमकिन था। एके यानी अजय कुमार, जिसे दुनिया की हर गन को चलाने में महारत हासिल थी। तुम उधर देखो, जंगी तोपों के बीच वो शेर सा टहलता था। Come on, go, come on. Go, उस तरफ, तुम मेरे पीछे। Good morning, sir. Morning. ये देखो, हम यहां से अंदर घुसेंगे। Michael, shoot. ये 10 बार में तुम्हें बचा रही हूँ। मैंने तो तुम्हें 50 बार बचाया है। हम यहाँ एक दूसरे को बचाने नहीं आए। तुम जानते हो हमें हमेशा कौन बचाता है? हम पांचों की दोस्ती और कौन है? बहुत अच्छे। लेकिन इस मौत की जंग में वो मस्ती के पल खोज लेते थे। ब्रीथ। एक की शख्सियत सब पर भारी थी। जंग का मैदान उसके लिए वो कंप्यूटर गेम था जिसे वो सोते जागते कभी भी खेल सकता था। आज से 6 महीने पहले ऑस्ट्रिया में एक के घर पर उसकी बीवी ने एक पार्टी दे रखी थी। जल्दी जल्दी करो, कहीं ये मेरा ही सर खाने लग जाए। ऑर्डर रेडी है। ओके। अरे बाप रे, रागिनी मैम, आपको बाहर गले पे बैठना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रही है, खा रही है कि पका रही है? ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं। पूरे कैसे होंगे पता नहीं। ऑर्डर लिखो, इडली 5, पोंगल 5, डोसा 5, उत्तपम 5, पूरी 5, रवा 5, मसाला डोसा 5, रवा मसाला 5 और इडली भी। जल्दी करो। के लिए हेलो, हाउज योर फूड मैम, आर यू लाइकिंग इट? वेरी गुड। खाइए खाइए जी। आपको मैं और लेकर आऊं, चटनी खाइए ना। जाकर तबला टेबल का ऑर्डर ले लो। यस मैम। लीजा और रोजलिन, मेरे दंगम टेबल चेक करो, वहाँ कोई प्रॉब्लम है। ओके मैम। गाइस वीना टेबल का ऑर्डर ले लो, प्लीज जल्दी जाओ। ओके बॉस। यहाँ चढ़ रहा है प्यार का बुखार, बाहर कर रहे हैं कस्टमर ऑर्डर का इंतजार। मेरी यार, क्या हमने कभी नहीं किया प्यार? बताओ इन्हें।
इस उबलते पानी की तरह अंदर के इमोशंस को भी कंट्रोल में लाना चाहिए। बबली डांडी मारकर घर चली? बिल्कुल नहीं, ये दोनों 5 दिन अलग रहे पर ऐसे दिखा रहे जैसे 5 महीने से अलग हो। कितने दिन अलग रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, किससे अलग रहे उससे पड़ता है। दोनों की थी एक मजेदार प्रेम कहानी, चलते हैं बाहर मैं और तू, करने दो इनको गुटर गू। न्यूली मैरिड कपल को विश करने के लिए, प्यार और शादी के बारे में टिप्स देने के लिए हमारी रागिनी मैम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। मैम, मैं प्लीज कुछ बोलिए ना। टोस्ट 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 टोस्ट। अब मैं क्या कहूँ? लोग कहते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझौता करना होता है, मगर मेरा मानना है कि जीने के लिए समझौता नहीं, एक दूसरे का भरोसा जरूरी है, यही सच है। तालियों की आवाज से तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना है। आई एम स्टक। एक पत्नी के रूप से इस वक्त इस पल अपने तन अपने मन और आत्मा से जो सुकून और खुशी प्यार सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, भगवान से मेरी दुआ है कि वही सब कुछ तुम दोनों को भी मिले। मैंने तुम्हें टैप लैंग्वेज बताकर गलती की, अब तुम मुंह से कम और थप थप से ज्यादा बात करती हो। आज तो तुम पार्टी में छा गई है। वो सब इंप्रेस करने के लिए कहा या जो कुछ कहा वो सच था? आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सच बोलने की हिम्मत नहीं की और ना ही कभी आगे कर पाऊंगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना खुशी नहीं है, क्योंकि मेरी तो खुशी ही तुम हो। तो फिर वादा करो अगले 3 महीने तुम मेरे साथ रहोगे। रेड अलर्ट का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ, आप जाने की तैयारी कीजिए। हाँ बताओ क्या खतरा है? शॉन, स्ट्रीम विजुअल्स। ये बर्लिन में आया भूकंप 8.5 रिक्टर, ये नैरोबी में आया भूकंप 7.5 रिक्टर, ये सिडनी में आया भूकंप 8.7 रिक्टर। ये एरिया साइज़मिक ज़ोन के बाहर है, यहाँ भूकंप आने का कोई चांस नहीं। ये हुआ कैसे? अभी बताता हूँ। माइक, इसकी वजह इन इलाकों में जमीन के नीचे छुपा ये 3 प्लूटोनियम बॉम्ब है, इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। और जिस चीज से इसे ऑपरेट किया जाता है उसे वेपन ड्राइव कहते हैं। मौजूदा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले इसमें पूरी दुनिया में भूकंप लाने के लिए 100 गुना ज्यादा शक्ति है। ये तीनों वेपन्स इंटरनेशनल वेपन माफिया के कब्जे में हैं। इस मैनमेड अर्थक्वेक को दुनिया के हर कोने में करवाने के लिए मेडिकल कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज पैसा लगाती है, क्योंकि भूकंप के बाद जो नुकसान होता है उसका फायदा इन्हीं 2 कंपनीज को होता है। दे आर मर्डरर्स। समझ गया। जब इन वेपन्स को जमीन के अंदर दफनाकर ब्लास्ट किया जाता है तभी होता है मैनमेड अर्थक्वेक। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असली भूकंप लगता है। अभी जो भूकंप जकार्ता में आया था वो भी इसी की वजह से था। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक वेपन ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा जर्मनी में दफनाया गया है और वो कभी भी फट सकते हैं। किसी भी प्लूटोनियम वेपन को डेटोनेट करने से पहले सीक्रेट कोड लगता है, वो कोड उन्हें कहां से मिला? एक कंप्यूटर हैकर की मदद से उन्होंने सीक्रेट कोड हैक किया। हैकर? नाम नताशा, ठिकाना बल्गेरिया, उम्र 21 साल। इसी के पास उस वेपन का कोड है। ये जानते हुए भी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, उसने जकार्ता वाला बॉम्ब डेटोनेट कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी कम उम्र की लड़की इस इंटरनेशनल माफिया के बीच कैसे पहुंच गई, और अगले 2 वेपन को चलाने के कोड भी उसी के पास है। नीड टू फाइंड हर, ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, इसमें टेररिस्ट और बिजनेसमैन शामिल हैं। अगर ये न्यूज बाहर लीक हुई तो इस बात को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ऑलराइट,
CIA के 4 लोग, FBI के 5 लोग, इंटरपोल के 3 लोग, ये सारे लोग नताशा को पकड़ने गए थे, मगर इनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। कब जाना होगा मुझे? आने वाले 50 घंटों में अगर हमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक सब इसे ढूंढ रहे हैं। ये लड़की जिस किसी के भी हाथ लगेगी वो फैसला करेगा कि इस वेपन को ब्लास्ट करना है या डिफ्यूज। द रेस इज ऑन। एके, मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डॉन। टाइम चार्ट लॉक कर दिया? इट्स लॉक्ड। गाइस, लॉक है। इस टाइम चार्ट की मदद से तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलेगी और हमारी लोकेशन तुम्हें। अभी तक तुम सिर्फ मौत से लड़े हो, मगर अब तुम्हें वक्त से भी लड़ना है। ख्याल रखना मेरे दोस्त। हाँ जरूर। नया असाइनमेंट, अभी जाना है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट रख दी है, गन, होल्स्टर सब पैक कर दिए हैं, 3 जोड़ी कपड़े भी रख दिए हैं, काफी होंगे ना? क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती कि तुमने ऐसे आदमी से शादी की जो 24 घंटे ड्यूटी करता है? हर पत्नी को चिंता होती है कि उसका पति अपनी ड्यूटी से घर आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे चिंता होती है कि मेरा पति जिंदा वापस आएगा कि नहीं। कई बार सोचती हूं आपके इस प्रोफेशन के बारे में फिक्र होती है, मगर जब ये सोचती हूं कि ये काम सिर्फ मेरा पति कर सकता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है और आप पर भी। इस डर और गर्व के बीच में अपनी जिंदगी जी रही हूं। आपने वादा किया है ना इस मिशन को पूरा करने का? किया है। तो फिर आप जरूर पूरा करेंगे, आप जो कहते हैं वही करते हैं। मैं कितना काबिल हूं ये मैं नहीं जानता, मगर अपने मिशन को अंजाम देकर ही मैं लौटूंगा। ये जो यकीन तुमने मुझ पर रखा है, ये यकीन ही मुझे हर दिन जीतने की ताकत देता है। अच्छा जी, अब उसको मिल गया है नया मिशन। वो हैकर लड़की जो है उसको ढूंढ रहे हैं 50 घंटों में। 50 घंटों में उसी के पास ही वो कोड है उसको चलाने का। यार ऐसी बीवी वैसे ढूंढा ना ढूंढा था वो, वैसे उसकी बीवी कितनी केयरफुल है। हां उसको मतलब पहले ही पता चल जाता है कि मेरा बंदा अब जा रहा है। अभी तो प्रॉमिस करने ही लगा था। और वो कहता मैंने तुम्हें जो बगैर आवाज के वॉइस वाली बना, वो यार वो बड़ा अच्छा है। वो ऐसे ऐसे मतलब कि उसको सिग्नल मिल जाता है आई लव यू। हां उसको सिग्नल मिल जाता है। अच्छी है मूवी, ऐसा ऐसा पता चलेगा कि क्या मतलब। अब वो निकल पड़ा है। हां वो मिशन पे जा रहा है। निकल गया नेक्स्ट पार्ट। तो देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।